यहाँ बहुत ज़्यादा मतलब रात को लूटते भी हैं ये क्रिमिनल लोग जो हैं, आदमी हैं, आदमी लड़के जो लूट सर्विस से आते हैं तो बेचारे लूटते हैं, उनको नहीं देंगे तो मारा पीटी करते हैं। मारा पीटी करने के बाद फिर हम किसी की अगर तबीयत ख़राब हो जाती है तो हम डॉक्टर के पास नहीं जा सकते रात को। तो इसमें बहुत मुनिरके में बहुत ही ज़्यादा मतलब वो हो रहा है, मुनिरका नहीं अगर नहीं बचाया गया तो बिल्कुल ही ख़त्म है मुनिरका। आप अपना नाम? मेरा नाम संतरा है, मुनिरके के रहने वाली हूँ। क्या कहेंगे मौजूदा हैं? ये बहुत बुरा हाल है, इन किन्नरों से दाम इतने परेशान हैं, ये रात को दो ढाई बजे के बीच में इतना दंगा करते हैं, कपड़े उतार के भी लग जाते हैं, और हमारे बच्चे तो रात को डरते ही हैं, हम तो निकल नहीं सकते, कोई दवाई वाई लेने भी नहीं जा सकते, और हम तो लेडीज़ तो बहुत ही परेशान हैं, आदमी के कितना बोले अब आदमियों से बोले सर्विस करते हैं, वो ये काम संभाले क्या, ये संभाले क्या करे आदमी, बहुत ही परेशान हैं हम तो। अब यहाँ रहें ना रहें ये एक बताओ, मुनिरका तो ख़त्म ही हो जाएगा इस साल से, तो बहुत बुरा हाल है ये मुनिरके का, हम तो कुछ। आप अपना नाम? हाँ जी, मेरा नाम राजकुमारी है, मैं मुनिरका की रहने वाली हूँ। आपके मकान के नीचे रात में किस तरह का काम होता है? बहुत किन्नर लोग बहुत हंगामा करते हैं, गंदी गालियाँ देना, अश्लील हरकतें करना, कपड़े निकाल देते हैं, पूरी रात सोने नहीं देते, गंदी गंदी गालियाँ वगैरह, शोर शराबा, ये सब कुछ चलता है पूरी रात। आपके घर में बच्चे और परिवार भी हैं, उन पर किस तरह का? सब परेशान है, बच्चे पढ़ नहीं पाते, हम सो नहीं पाते, ना दिन में ना रात में, घर से बाहर नहीं निकल सकते, अकेली लेडीज तो 10 बजे के बाद घर से बाहर निकल नहीं सकती, डर लगता है। पुलिस वाले कुछ मदद करते? कुछ नहीं करते पुलिस वाले, कुछ नहीं करते। आप अपना नाम बता दीजिए। भरत सिंह राठी। भरत जी, आपके इलाके की रिसेंट में क्या समस्या है? हमारे यहाँ की समस्या सर ये है कि हमारे यहाँ जो है रात को किन्नर लोग घूमते हैं, जिससे हमारे गांव की गलियाँ बदनाम हो गई हैं और रेड लाइट एरिया हो गया बिल्कुल पूरी तरह से। हमारे बच्चे रात को घूम नहीं सकते, हमारी जो महिलाएं आती हैं ड्यूटी करके वो बड़ी परेशान है, जो उनके साथ छेड़खानी होती है, उनसे पैसे लूट ले जाते हैं, और ये सारे काम जो है प्रशासन की ढील से वजह से हो गया है। प्रशासन हमारा बिल्कुल काम नहीं करता, हमने काफ़ी कंप्लेंटें भी की है लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। अच्छा, CCTV में हमने देखा कि रोज़ रात को आते हैं, तो रोज़ पुलिस पेट्रोलिंग नहीं करती यहाँ पे? पुलिस पेट्रोलिंग नाम मात्र की पुलिस पेट्रोलिंग है, CCTV हमने कम से कम 200 CCTV लगाए हुए हैं जिन गलियों में हमें ज़्यादा आशंका थी इस प्रकार की, जो रेड लाइट एरिया है, लेकिन CCTV फुटेज दिखाने के बावजूद भी यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं। आपने कंप्लेंट कहाँ कहाँ दिया? कंप्लेंट मैंने कमिश्नर को दी हुई है, होम मिनिस्टर को दी हुई है, SHO साहब को दी हुई है, और दो तीन चार चार कंप्लेंट दी हुई है, लगातार रिमाइंडर दी हुई है। उसके बाद भी स्थिति जो भी तो है। अच्छा, अब इस पूरे मुद्दे में आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारी जो है पुलिस प्रशासन हमारा साथ दे, और जो रेड लाइट एरिया घोषित होने को जा रहा है इसको हमारे गांव की जो पहले व्यवस्था थी उस प्रकार हो जाए, पेट्रोलिंग ठीक होएगी तो ये जो असामाजिक तत्व यहाँ किन्नर लोग घूमते हैं वो नहीं घूमेंगे, और हमारा समाज इससे बचा रहेगा, हमारे बच्चे इससे बचे रहेंगे। मुनिरका निवासी दुष्यंत कुमार जी बोल रहा हूँ। जी बताइए, अपने इलाके के बारे में बताइए किस तरह। आज की डेट में मुनिरका गांव पूरा रेड लाइट एरिया बन चुका है, जिसके अंदर कुछ गलियां तो बहुत ही ज़्यादा बदनाम हो चुकी हैं, जिसमें हमारा जो बाबा बेकरी सेंटर पड़ता है इसके अंदर कल भी बहुत ही आपत्तिजनक जो है घटना घटी है, जिसके अंदर जो किन्नर लोग थे वो नंगे यहाँ घूम रहे थे और लोगों को ज़बरदस्ती पकड़ रहे थे अपने साथ कि हमारे साथ जो है दुष्कर्म करो, जिससे यहाँ और ज़्यादा बदनामी हो। शराब भी खुले आप शराब तो मतलब आप उसमें वीडियो में देखा ही है, हमने सोशल मीडिया पे वो वीडियो डाली हुई है कि लोग कोने में खड़े हो गए वहाँ शराब पी रहे हैं ऊपर ली, और बाहर से 9 बजे के बाद इतने असामाजिक तत्व तो यहाँ खड़े हो जाते हैं जो कि सिर्फ क्राइम करते हैं, जिसमें हमारे आगे हम चले तो बाबूलाल चौक है, बाबा गणनाथ मंदिर के आसपास जो गलियां हैं वहां पे मतलब 9 बजे के बाद हमारे जो बच्चे हैं या हम हैं वो रोड को क्रॉस भी नहीं कर सकते, ये हालात मुनिरका के बन चुके हैं इस टाइम। आप लोग क्या चाहते हैं इस पर? हम तो प्रशासन से एक ही चीज़ चाहते हैं कि इस पर कार्रवाई हो, जिसमें पुलिस सहयोग करे, पेट्रोलिंग बढ़े मुनिरका गाँव को, मुनिरका गाँव के लिए।